दांतों के अमराज में मुबतला मरीजों के लिए बड़ा फैसला। पंजाब डेंटल हस्पताल में शाम के वक्त भी मरीजों का चेकअप होगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी कहते हैं, मरीजों को सहूलत देने के लिए हर किस्म के वसाइल फराहम किए जाएंगे। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, काजी ने दांतों के इमराज के में जो मुबतला मरीज हैं उनके लिए बड़ा फैसला ये किया है कि अब जो पंजाब डेंटल हॉस्पिटल है यहाँ पे अब शाम के औकात भी ओपीडी की जाएगी और तमाम तरह दांतों के जो माइनर जो प्रोसीजर्स होंगे ये भी किए जाएंगे। आज इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी के जरिए सदारत इजलास हुआ जिसमें महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सफाई जो सेक्रेटरी सेहत का ये कहना था कि पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर के जरिए ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहूलत देना चाहते हैं और 23 जनवरी से पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर में शाम के औकात में भी मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाएगा और पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर को मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात एचआर और डेंटल मटीरियल के लिए भी अजाफी जो बजट है ये भी दिया जाएगा। पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 1000 से जायद जो मरीज है उनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन जो किसी सहूलियात है ये दी जाएंगे और पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर में शाम के औकात बढ़ाने से रोजाना की बुनियाद पर 1500 से ज्यादा मरीजों के इलाज मुआवजे की सलाहियत हो जाएगी और पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर में नई पोस्टों के लिए यास्क की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है ताकि मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से जो एचआर समेत किसी भी किस्म की जो तबीयत हो जाता है उसमें कमी ना देखने में आए। जी शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।